हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसिस किंजल पंचल, आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ, लिसन केयरफुली। इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर यूनिट 11, ओके। यूनिट 11, द वंडरफुल वर्ल्ड, ओके। यूनिट 11, द वंडरफुल वर्ल्ड। स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एक्टिविटी 1 एंड 2, ओके। So now I am going to start activity 3, okay? So let's start activity 3. Look out of the window and identify a cloud. Now make an attempt to describe and draw the cloud. यानी विंडो के बाहर देखना है और क्लाउड्स को आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि क्लाउड्स अलग अलग फॉर्म में तरीके से फॉर्मेट होता है, ओके। अलग अलग तरीके के क्लाउड्स होते हैं स्काई में, ओके। सो हमको उसको अटेम्प्ट करना है, मतलब डिस्क्राइब करने का प्रयत्न करना है। अटेम्प्ट मतलब ट्राई, ओके। अटेम्प्ट मतलब ट्राई, ओके। यहाँ तीन तरीके के क्लाउड्स होते हैं, 3 टाइप्स, ओके। एक तो होता है साइरस क्लाउड्स, फिर स्ट्रेटर्स क्लाउड्स और निम्बस क्लाउड। 3 तरीके के हैं और तीनों के यहाँ स्पेस भी कम है बच्चों, स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखना इम्पॉसिबल है, पर आपके वर्कबुक में ऑलरेडी है ही, दैट्स वाई मैंने यहाँ लिखा नहीं है। मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया है, रिफर इन वर्कबुक, यानी रफ जो आपकी वर्कबुक, सॉरी वर्कबुक है, उसमें से आपको रीड करना है और वर्कबुक के फ़ोटो आपको जल्दी ही सेंड हो जाएंगे, ओके, मिल जाएंगे। नाउ ऑब्जर्व अ क्लाउड एंड ड्रॉ द सेम एज वेल एज कलर इट, ओके। यहाँ हमें क्लाउड को ऑब्जर्व करना है, ड्रॉ इसी तरह से और उसको कलर भी करना है, ओके। सो ये आपको करना है, ओके। कलर नहीं करोगे तो भी चलेगा अभी, ओके। ये क्लाउड्स को आपको ही करना है, ओके। जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, याद आ गया क्या? याद आया पोएम है ना, छोटे बच्चे राइम्स थी वो याद आ गए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, याद आ गए ना। चलो तो हम लोग अभी वो ही पढ़ेंगे, ओके। वी सी द स्टार्स एज टीनी पॉइंट्स ऑफ लाइट इन द स्काई, दे मे ऑल लुक द सेम बट दे आर नॉट, दे मे ऑल लुक द सेम बट दे आर नॉट। यानी हम लोग स्टार्स देखते हैं स्काई में, एकदम जैसे एक छोटे से पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स उस तरह के लाइट्स के पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हो, ऐसे हमें स्काई में देखने को मिलता है स्टार्स। आपने देखा होगा एकदम थोड़ा सा जैसे पॉइंट जैसा चमकता हो वैसा दिखता है, ओके। अब ऐसा लगता है यहाँ से हमें, हम लोग ऐसा लगता है कि सब एक जैसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई स्टार बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, ओके। दे रेंज इन साइज, कलर, टेम्परेचर, पावर एंड लाइफ स्पेंस। स्टार्स आर मेड ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन विच इज़ द मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ओके। यानी कैसा होता है कि जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स उनकी एक रेंज के हिसाब से वो लोग फॉर्मेट होते हैं, कि साइज अलग अलग होती है, उनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं स्टार्स के। लेकिन हमको सबको यहाँ नीचे से, हम पृथ्वी पर से एक जैसे ही दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइज सबकी अलग अलग होती है, स्टार्स की कलर्स भी अलग, उनके जो टेम्परेचर होते हैं, तापमान, वो भी अलग अलग होता है। कोई एकदम गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, स्टार्स भी उस तरह के। उनका पावर भी अलग अलग होता है, जितना बड़ा उतना पावर ज़्यादा होता है। लाइफ स्पेंस मतलब उनकी जो जीवन की जो रेखाएँ होती है, एक्चुअली उनकी कोई भी स्टार्स होगा वो लाइफ टाइम के लिए वहाँ नहीं। आपने ये तो सुना होगा ना कि वो गिरता और टूटता तारा, तो इसी तरह बहुत सारे तारे होते हैं वो टूट जाते हैं, ओके। तो इनका जो लाइफ स्पैन है, मतलब उनका जो जीवन के दौरान वो कितना होता है, वो भी अलग अलग होता है। कोई स्टार्स बहुत टाइम के लिए वहाँ स्काई में रहता है, कोई कम। अब स्टार्स जो है वो मोस्टली किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रोजन से मोस्टली बना हुआ था स्टार्स, ओके। जिसमें मोस्ट क्या होता है कि सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट मतलब बहुत सबसे ज़्यादा प्लेंटी ऑफ जो होता है यूनिवर्स में होता है, ओके।
यानी सबसे ज्यादा क्या है प्लैनेट, या सन एक है, मून एक है, प्लैनेट एट है, और वन अर्थ को, सन को काउंट करके, ओके okay? फिर तो स्टार्स अनकाउंटेबल है, इसलिए इब्यूडेंट एलिमेंट बोला गया है, ओके okay? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ, ओके चलो। वी ऑल हैव लर्न द राइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हैव वी इवर अंडर वर द स्टार्स लाइट कम्स फ्रॉम, यानी हम सब एक पोएम जानते हैं, राइम्स जानते हैं, लर्न सीखी है हमने लोगों ने। वी ऑल हैव लर्न द राइम्स, हम सब ने एक पोएम ऐसी सीखी, राइम्स सीखी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हैव वी इवर वंडर। अब ये कि स्टार्स की जो लाइट से वो कहाँ से आती है, स्टार्स की जो लाइट है वो कहाँ से आती है, उसके हमें फाइंड आउट करना है। चलो, स्टार्स गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन, देयर आर केमिकल रिएक्शन दैट गिव लाइट एंड साइन टू द स्टार्स, ओके। अब स्टार्स जो होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती बच्चों, स्टार्स जो भी होते उनकी, उनको लाइट कहाँ से मिलती है, सन से। सन एक ऐसा बोलो कि आग का गोला, सन को हम आग का गोला भी बोल सकते, बॉल ऑफ फायर, उसमें इतना है, ऐसा समझो कि ऐसा बोलते हैं सब लोग कि सन के अगर थोड़ी सी दूर पर भी जाके हम रुकते तो भस्म हो जाते हैं, ऐसा ओके। और इसीलिए सन का खुद की ही, सन की खुद की लाइट इतनी है ना कि उसको दूसरी लाइट की ज़रूरत नहीं, और स्टार्स को उनकी लाइट जो है वो सन से मिलती है, ओके। सन की लाइट से ही स्टार्स चमकते हैं, बाकी तो जो स्टार्स है वो दिखे भी नहीं हमको, ओके। ये सब केमिकल रिएक्शन होता है, ओके। वो केमिकल जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से उसको लाइट्स मिलती है, और स्टार्स जो होते हैं उसको साइन इन चमक मिलती है, ओके। नाउ टर्न योर पेज। रीड दिस, अब हमें ये रीड करना है, ओके okay, अब हमें ये सब रीड करना है। चल, हैव यू इवर लुक्ड अप इन टू द नाइट स्काई एंड वंडर जस्ट हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन स्पेस, यानी क्या कभी भी आपने नाइट स्काई मतलब रात को स्काई के स्काई में झांका है कि कितना अद्भुत है, जब कि कितना अद्भुत है कि कितने स्टार्स स्पेस में, स्पेस मतलब ऊपर आकाश, ओके स्काई, उसमें कितने सारे स्टार्स है, ओके। दिस क्वेश्चन हैज़ फैसिनेटेड साइंटिस्ट एज वेल एज फिलोसोफर्स म्यूजिशियंस एंड ड्रीमर्स थ्रू आउट द एजिस, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, क्या देखो आपने कभी देखा हो तो, नाइट में तो हम सब सिटी में रहते तो इतने स्टार्स नहीं देखते, आप जंगल एरिया में जाओ, किसी गांव में जाओ, तो आपको नाइट में जो स्काई में जो नाइट जो स्टार्स होते हैं ना रात को, वो इतने सारे दिखेंगे कि अपने कभी देखे भी ना हो इस तरीके से, ओके। क्योंकि वहाँ एकदम क्लियर एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ सिटी में कैसा एटमॉस्फेयर की वजह, पॉल्यूशन जो होता है उसकी वजह से जो स्टार्स है वो जल्दी से दिखते नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन है वो अपना लेयर बना देता है। तो इस तरीके से कि स्पेस में कितने सारे स्टार्स है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है कितने का? क्योंकि स्टार्स है यू नो वेरी वेल, किसी को भी काउंट करने बिठा दूँ तो कोई बैठेगा तब कोई रेडी नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई काउंट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन इतना फैसिनेटेड है, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित करने वाला, ओके। इतना फैसिनेटेड है एक साइंटिस्ट के लिए, उसी तरह जितना साइंटिस्ट के लिए ये फैसिनेटेड है क्वेश्चन, यानी साइंटिस्ट लोगों का काम होता है कि फाइंड आउट करना, तो उनको ये फाइंड आउट करने के लिए उनको उनके लिए जितना फैसिनेटेड है ना, उतना ही फिलोसोफर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, ड्रीमर्स होते हैं, उनके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंस, ओके। स्टार्स आर नॉट स्कैटर्ड रैंडमली थ्रू आउट स्पेस, दे आर गेदर्ड टूगेदर इन टू वास्ट ग्रुप्स नॉन एज गैलेक्सीज। अब स्टार्स होते वो अपने आप, स्टार्स होते हैं वो अपने आप स्प्रेड नहीं होते, ओके। स्टार्स आर नॉट स्कैटर्ड रैंडमली थ्रू आउट द स्पेस, जो स्टार्स होते हैं वो अपने
आप इस तरह से एनी हाउ कहीं पर भी जो है ना स्प्रेड नहीं होते, ओके स्प्रेड आउट नहीं होते, दे आर गेदर टुगेदर इन टू वास्ट ग्रुप्स नॉन एज ग्रे। वो लोग कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा स्काई में कि एक साथ बहुत सारे स्काई है ना, वो स्काई में स्टार्स होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, ओके कभी कभी सात सात सेवन स्टार्स होते हैं ना, वो एक साथ होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सप्तर्षि, यानी सेवन स्टार्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ओके इसी तरह बहुत सारे जो इकट्ठे होते हैं स्टार्स उसको क्या बोलेंगे, जहाँ उसको गैलेक्सी, गैलेक्सी में आकाश गंगा। द सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कोल्ड द मिल्की वे, ओके द सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कोल्ड द मिल्की वे। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट देयर आर अबाउट 100,000 मिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे अलोन। आउटसाइड दैट देयर आर मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज ऑल्सो। अब कैसा होता है, सन है किसको बिलोंग करता है, गैलेक्सी को, जिसको क्या बोलेंगे मिल्की वे, ओके सन है वो गैलेक्सी को बिलोंग करता है जिसको क्या बोलेंगे हम मिल्की वे, ओके और एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स जो जो हाथ वात पढ़ के नहीं बोलते, हस्तरेखा जानने वाला या ऐसा बस एक साधु संत जैसा ही होता है इंसान, कि एस्ट्रोनॉमर वो अपने पंडित बोलते हैं ना पुजारी उसको, ओके यानी यहाँ पूजा भगवान की करने वाला नहीं, पर सबके हाथ देके सबकी कुंडली वो सब जो देखता है ना, वो एस्टिमेट से 100,000 मिलियन स्टार्स है ना वो मिल्की वे में है, उनका ऐसा मानना है, एस्टिमेट किया है, ओके एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्टिमेट किया है कि मिल्की वे अंदर 100,000 मिलियन स्टार्स है के आसपास, ओके अब दूसरी बाजू कि गैलेक्सी बहुत सारी आकाश गंगा दूसरी जो गैलेक्सीज है उसमें भी बहुत सारे स्टार्स है। इट हैज़ बीन सेड दैट काउंटिंग द स्टार्स इन द यूनिवर्स इज लाइक ट्राइंग टू काउंट द नंबर ऑफ सैंड ग्रेन्स ऑन अ बीच ऑन अर्थ। वी माइट डू दैट बाई मेजरिंग द सर्फेस एरिया ऑफ द बीच एंड डिटर्मिन मीनिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ द सेंड लेयर, ओके अब कैसा होता है कि ऐसा कहने जा रहे थे कि स्टार्स यूनिवर्स मतलब स्वर्ग में, यूनिवर्स मतलब स्वर्ग में जो स्टार्स होते हैं उसको काउंट करने का मतलब समझो कि जो अर्थ पृथ्वी पे जो बीच होता है ना ना समुद्र का जो किनारा, उस पर जो सैंड ग्रेन्स होती है, जो मिट्टी नहीं होती ये वाली मिट्टी अलग, और वो वाली बीच वाली जो मिट्टी होती है ना वो अलग होती है, बताए बीच वाली जो मिट्टी होती है ना वो थोड़ी सी करकरी होती है, ओके करकरी होती है मतलब थोड़ी मोटी होती है, ओके एकदम पाउडर जैसी नहीं होती है वो करकरी होती है, तो ऐसा समझो कि वो सैंड के को काउंट करने के बराबर है, ओके यानी यूनिवर्स में स्टार्स को काउंटिंग करना, यानी समझ लो कि पृथ्वी पे जो बीच होता है ना, बीच पे जो सैंड सैंड ग्रेन्स होते हैं ना वो काउंट करने के बाद, यानी इतना डिफिकल्ट, ओके वी माइट डू दैट बाय मेजरिंग द सरफेस एरिया ऑन द ऑफ द बीच, ओके एंड डिटरमिनिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ द लेयर। और कैसा होता है, डिसाइड किया जाता है एवरेज के डिप्थ, सैंड लेयर की जो डिप्थ होती है, सैंड की जो लेयर होती है ना ऊपर उसकी जो डिप्थ मतलब डिफनेस जो अंदर होता है वो कितना है, वो भी डिटर्मिनेशन मतलब डिसाइड किया जाता है, ओके नाउ डिड यू नो चलो इन 1995 एन इमेज फ्रॉम द हुबले स्पेस टेलीस्कोप सजेस्टेड दैट स्टार इन फॉर्मेशन एंड रीच्ड अ पीक एट रफली 7,000 मिलियन ईयर्स अगो। द पिक्चर शोज अ सैटेलाइट मैपिंग ऑफ अवर मिल्की वे, ओके यानी इन 1995 में, ओके जो हुबली स्पेस टेलीस्कोप है HSC, उन्होंने सजेस्ट किया था कि इमेज जैसे इमेज एक सजेस्ट किया था कि स्टार्स होते स्टार उसका फॉर्मेशन जो होता है वो एकदम रफली होता है
इवन 7000, 7000 मतलब 7000 साल, मिलियंस साल, मिलियन ईयर्स चले गए. ओके, और ये वाली जो पिक्चर है ये वाली, वो सैटेलाइट से ली गई है मिल्की वे में से. ओके, सैटेलाइट से ये पिक्चर ली गई. ओके चलो, रीड एंड एंजॉय. अब एक पोएम है, फ्लावर्स. फ्लावर, प्लग दिस लिटल फ्लावर एंड टेक इट, डिले नॉट, आई फियर लेस्ट इट ड्रूप एंड ड्रॉप इनटू द डस्ट. ओके, यानी प्लंक दिस लिटल फ्लावर. प्लग, प्लग मतलब खींचना, प्लग मीन्स खींचना. ये छोटा सा जो फ्लावर है उसको खींचो और ले जाओ. ओके, डिले मत, डिले नॉट मतलब देरी मत करो. ओके, मुझे डर लग रहा है कि इनकेस, आई फियर लेस्ट इट, आई मे डर आउट इनकेस, इनकेस ड्रूप, यानी जो कैसा होता है, जो ड्रूप मतलब हैंग डाउन होता है ना, हैंग डाउन लटकना. ओके, उसको तो लटकना या निकलना डस्ट में, डस्ट मीन्स समर में. ओके, आई मे नॉट, आई मे नॉट फाइंड अ प्लेस इन योर गार्लैंड बट हॉनर इट विथ अ टच ऑफ पेन फ्रॉम योर हैंड एंड प्लक इट, आई फियर लेस्ट द डे एंड बिफोर आई एम अवेयर एंड द टाइम ऑफ ऑफरिंग गो बाय, थ्रू आउट इट्स कलर बी नॉट डीप एंड इट्स स्मेल बी फेंट, यूज दिस फ्लावर इन योर सर्विस एंड प्लक इट वाइल देयर इज टाइम. यानी कि क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो गार्लैंड, गार्लैंड में फूलों की जो माला होती है, उससे कहीं मेरे को ऐसा कोई प्लेस नहीं मिल रहा है, शायद फाइंड आउट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मान के साथ उसको दर्द के साथ टच किया है मैंने अपने हाथों से, अपने हाथों से मैंने उसको टच किया है. ओके, और चुप प्लॉक किया है मतलब पुल, खींच लेना. ओके, मुझे डर लगा है इनकेस, मुझे लगा है इनकेस दिन में डे एंड दिन पूरा होता है उसको डे एंड बोलते. ओके, बिफोर आई एम अवेयर, मैं जागरूक हो जाऊँगा. ओके, एंड द टाइम ऑफ ऑफरिंग गो बाय. ओके, और अभी टाइम हो गया है ऑफर, यानी भगवान की भी बात करिए. ओके, आपको पता होगा हम कोई भी ऐसी छोटे छोटे ऑकेशंस होते तो हम घर में अपने भगवान के लिए फूलों की माला, जिसको क्या बोलते हैं हम, गार्लैंड्स, वो आती है. ओके, थ्रू आउट इट्स कलर बी नॉट डीप एंड इट्स स्मेल बी फेंट. ओके, थ्रू आउट इट्स कलर, उसका जो कलर होता है वो ज़्यादा डीप नहीं था, बी नॉट बी डीप. ओके, यानी ज़्यादा डीप ब्राइट नहीं था यानी. ओके, दूसरा है ये कि इट्स स्मेल बी फेंट, उसकी जो स्मेल थी वो भी फेंट मतलब स्ट्रांग नहीं थी, फेंट मतलब स्ट्रांग नहीं थी, यानी इट्स स्मेल बी फेंट मतलब अच्छी नहीं थी इसका मतलब. ओके, दिस फ्लावर इन योर सर्विस, ये फ्लावर जो है वो आपकी सर्विस में है एंड प्लक इट वेयर वाइल देयर इज टाइम. ओके, और उसको पुल खींच लीजिएगा जब टाइम हो. ओके, जब टाइम हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ, मेरा यहाँ वीडियो जो है वो यहाँ स्टॉप कर रही हूँ. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 5. ओके, बाय.